और इस देश का भला एक ही प्रजातांत्रिक पार्टी है बीजेपी। हम सब एक हैं, जितने भी धर्म हैं सब एक हैं। हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हमें फख्र होना चाहिए, हमें इस पे प्यार से चलना चाहिए। आज भी कुछ मुसलमान बोले कि हम जो है भगवान श्री राम के वंशज हैं। अभी भी ये जो भी धर्म परिवर्तन वो करवा रहे हैं या घर वापसी करवा रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से करा रहे हैं। 2024 में जिस तरीके से अभी जो है हालिया जो विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट आया, जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिला है, आपको लगता है 2024 में उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? ऐसा है कि अभी आने वाले समय के अंदर जितनी भी परिवारों की पार्टियां का मतलब ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी उनका मालिक जो है उनका प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी परिवार के लोग हैं और हमेशा ही परिवार के लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, परिवार के लोग ही रहते हैं। तो ये सब परिवारों की पार्टियां हैं और लोगों को पता लग गया। और परिवारों की पार्टियों की नीति क्या होती है? पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरी जात बरादरी के लोग, फिर मेरे एरिए के लोग, बस इनके अलावा इनको देश से, प्रांत से, अपने स्टेट से कुछ लेना देना नहीं। खूब कमाओ, खूब रिश्वत करो, खाओ और खूब करप्शन फैलाओ। और इन्होंने अपने ही घर भरे हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब लोगों को ये सब समझ में आ गया है कि ये सब परिवारों की पार्टियां हैं और इस देश का भला एक ही प्रजातांत्रिक पार्टी है बीजेपी, जिसके अंदर चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या हर एक के चुनाव हो करके ये प्रजातांत्रिक तरीके से बनाते हैं। इसी कारण से मोदी जी जैसे व्यक्ति को, अटल जी के जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का गरीब आदमियों को मौका मिला। क्या ये मौका जो है ये परिवारों की पार्टियों को, क्या परिवारों की पार्टियां जो हैं वो किसी बाहर के व्यक्ति को बना सकती थी? नहीं। जहाँ तक गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ों मुद्दों का सवाल है, आज तक ये बताओ कि 1947 के बाद तक ये मुद्दे कब नहीं रहे? इस देश का प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट रहा 10 साल, यही चीज़ें थी, कोई चेंज नहीं था। सब गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारी बीमारियाँ थी। लेकिन मोदी सरकार तो इसको खत्म करने के मकसद से तो आई थी ना सत्ता में, इसीलिए आई थी ना, इसीलिए जनता ने चुना था उनको, तो क्यों अभी क्यों नहीं मांगा कंट्रोल? क्या अपना देश मजबूत नहीं हुआ? आप ये बताओ ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसकी अचीवमेंट नहीं है? आप ये देखो गडकरी जी ने कितना काम किया, हर दृष्टि से इस देश को आप देख लो, आर्मी के हिसाब से देख लो, डिफेंस, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसने देश को मजबूत ना किया हो। तो इस कारण से ये कहना बिल्कुल पागलपन है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। आमिर जी ये बताइए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार की जो है दो राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में विजय पताका लहराया है बीजेपी ने, आप देखते हैं कैसे नरेंद्र मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा है, कैसे देखते हैं? महंगाई कंट्रोल हुई है, बढ़ी है, क्या सोचते हैं आप? नहीं देखो, ये तो जो भी अपनी कुर्सी पे आता है वो अपनी अपनी बढ़ाई करता है, ऐसी बढ़ाई करने की कोई बात नहीं। बहरहाल हम ये इस टाइम ये देख रहे हैं कि लोग धर्म के ऊपर ज़्यादा एक दूसरे को प्यार जो है ना वो ख़त्म कर रखा लोगों ने, ये नहीं होना चाहिए। ये हम सब एक हैं, जितने भी धर्म हैं सब एक हैं। हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, हमें फख्र होना चाहिए, हमें इस पर प्यार से चलना चाहिए। वो देश में जो भी हो वो ठीक है। ये बताइए मोदी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? उनके राज्य में जो है विकास हुआ है, नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है, घटी है, कैसे आप देखते हैं? देखो देश में हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि हमारे देश में जो है ना भुखमरी हो या क्या हो, वो अच्छा चाहते हैं, मगर जो लोग हैं जिन्होंने स्थिति ख़राब कर रखी है वो ये चाहते हैं कि झगड़े और ये दुनिया भर के पागलपंथी हो या मोदी हटे या ये आए या वो आए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ये सुकून से कोई भी मोदी ये जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक ही ठाक दिख रहा है। सब 2024 में फिर से वापसी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की? भाई ये नहीं कह सकते, ये कहना मुमकिन नहीं है, क्यों? इस टाइम हालात बहुत ख़राब है।
कैसे खराब है वही तो बताइए ना, कैसे खराब है? खराब ये ऐसे है कि अभी बागवेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि हम अपने धर्म में घर वापसी कराइए। वो अभी मैंने कल देखा था कि वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और एक हिंदू को, मुसलमान को हिंदू लाते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि उनसे कि वो अपना मुझे धर्म बताएं। नहीं तो लेकिन अगर आप अगर आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं तो जो अगर हिंदू से मुस्लिम बने हैं, अगर मुस्लिम से उनको हिंदू में फिर से कन्वर्ट कराया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? पहले भी करवाया गया ना अकबर के समय में, या तमाम जो यहाँ राजा महाराजा आए उन्होंने भी तो करवाया ना यहाँ की। मेरी बात सुनो, पहले क्या था, लोग बस पढ़े लिखे नहीं थे। आप आज के टाइम में हर चीज़ जानते हैं लोग, और मैं नहीं जरा सा बच्चा भी जानता है। तो एक ही बार जो भी करना तुम्हें करो, एक ही बार, ये थोड़ी क्या तुम इधर भी जाओगे वहाँ झगड़ा करोगे, उधर जाओगे फिर वहाँ झगड़ा करोगे। जो करना है एक ही बार करो। अब जैसे मेरी बात सुनो, जैसे वसीम रिजवी, क्या नाम है उनका, वो दोबारा फिर अपने घर वापसी आना चाह रहे हैं। पहले क्यों गए थे जब तुम्हें अच्छा घर वो लग रहा था, फिर दोबारा क्यों आए? आप ये समझिए, ये बताइए कि सर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, जो पहले हिंदू थे उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कराया गया, कैसे आप देखते हैं? भैया देखो, पहले क्या था, हमारे हिंदू और मुसलमान सब एक ही थे, और काफ़ी इसमें हिंदू भी थे, आज भी एक ही है। और एक ही है, आज भी कुछ मुसलमान बोले कि हम जो है भगवान श्री राम के वंशज हैं अब भी। और कई जगह कोर्टों के अंदर भी देखा गया है कि उनके नाम में भी जो है नाम कुछ है बेटे का, और बाप के फादर का नाम, ग्रैंड फादर का नाम कुछ और है, राम सिंह है। कई जगह हमने खुद देखा इन चीज़ों का, तो पता लगा कि भाई हम ऐसे बन गए थे। तो वो सारी कुछ है, बाकी हिंदुस्तान में 80% सनातनी लोग थे। ये कुछ लोग आए थे जो यहाँ पे कुछ अत्याचार हुआ, डर के मारे ये सारे काम हुए हमारे जब बने हैं। आपको लगता है कि जो बागेश्वर धाम का जो जिस तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जो अभी आरोप ये लगा रहे हैं, कितना सच्चाई है या कितना सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? उन्होंने कोई आरोप नहीं है, बाकी क्या है जो वो उन्होंने तो ये है कि हमें हिंदुस्तान को सनातन धर्म बनाना है। पिछली हिस्ट्री को वो पूरी मतलब जो एक तरह से वो करना चाह रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा, लोग वहाँ आ रहे हैं, बसों में भर भर के आ रहे हैं। अब जो कोई बनना चाहेगा वो बनेगा, जो हिंदू बनना चाहे हिंदू बनेगा, जो मुसलमान मुसलमान बनेगा। तो वो जबरदस्ती नहीं करा कि कहीं भाई गन के बंदूक के ऊपर रखे कि नहीं आपको ये काम करना है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। ये जो भी धर्म परिवर्तन वो करवा रहे हैं या घर वापसी करवा रहे हैं, वो संवैधानिक तरीके से करा रहे हैं, वो गैर कानूनी तरीके से नहीं करवा रहे। और ये हर एक लोग सबका हक है। आज तक जो मुसलमान बन रहे हैं या जो बने हैं, वो पैसा दे करके या लालच दे करके या डरा धमका करके बने थे। क्रिश्चियन जी बने, उनको भी लालच दे करके बनाया, परंतु घर वापसी समझा बुझा करके अगर लेकर के आ रहे हैं तो वो असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं, मेरा मानना यह है कि हम यहाँ जो है ना इस देश में रहते हैं, आज़ाद देश है, हमें क्या, मैं अपनी औलाद को भी नहीं डांट सकता यार, उन्हें भी आज़ादी है। मैं पब्लिक को क्या डांटूंगा, मैं अपने घर में भी किसी को कुछ नहीं कहता, जिसका जो दिल करे वो करे। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते, हम जाते हैं उस पर जैसे लोग बाग लात मार के भूत भगा रहा है यार, कोई गर्दन काट के भूत भगा रहा, कोई फुहारा मार के भूत भगा रहा, दुनिया कोई कुछ करके भूत भगा रहा। पीर पीर मजारों पे क्या करते हैं, यही कर रहे हैं, देख रहे हैं मजारों पे पीर क्या कर रहे हैं, या मौलवी क्या करते हैं, मौलवी भी यही कर रहे हैं।